तो दोस्तों चालू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिज बनारसी, जो अपन ने पहले की वीडियो में देखा था। आज मैं उसका छोटा भाई चिट पल्लू वाला रिज बनारसी दिखाऊंगा आपको। आ जाए आ जाए, दिखा देते हैं आपको फटाफट। ये देखिए, शुरुआत की हमारी वीडियोस में आपने देखा होगा रिच पल्लू का आइटम आता था, पल्लू रिच होता था, अंदर पूरा ऐसे नीचे बनारसी बॉर्डर, ऊपर बनारसी बुट्टे। वो ही कंसेप्ट आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। बस इसमें ये फर्क रहेगा, पल्लू इसके अंदर लाइनिंग वाला आएगा, रिच पल्लू नहीं आएगा, और उसके कारण रेंज में फर्क रहेगा। तो आए दिखाता हूँ, चालू करते हैं आज की वीडियो। टोटल ताजा माल आया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग, यहाँ आ जाए पूरा देख सकते हो। टोटल अलग अलग डिजाइन है, फुल माल आया हुआ है, टोटल पैक हो रहा है, टोटल पार्सल जा रहा है, पूरा माल पार्सल में जा रहा है। व्यापारियों का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा था, टोटल माल खत्म हो गया था, टोटल अभी पैक हो रहा है, बनेगा पार्सल। दिखाता हूँ आपको क्या चीज है जो इतनी तेजी से बिक रही है। आ जाए, एक डिजाइन में गाइस 10 कलर का चार्ट बनाते हैं हम लोग, 10 अलग अलग कलर मिल जाते हैं। इधर आए दिखाता हूँ, जैसे सपोज एक डिजाइन पकड़ी अपन ने, कलर इसके देखें तो इधर आए पास में, रेड के नीचे बॉटल ग्रीन, फिरोजी के नीचे रेड, येलो के नीचे रेड, इसके अंदर देखें ये नीचे पिंक आ गया, नीचे रानी आ गया। यहाँ पे देखें तो ये कलर हो गया, ये रहा रामा कलर, रामा कलर के नीचे नेवी ब्लू। यहाँ पे आए तो वापस रेड कलर आएगा, पर इसमें बॉटल ग्रीन बॉर्डर नहीं आएगा, इसमें नेवी ब्लू पैरेटी का बॉर्डर आएगा। ये आ गया फिरोजी कलर, उसके नीचे आ गया, नीचे देख सकते हो नेवी कलर, नेवी ब्लू कलर का बॉर्डर। ये आ गया, ये देखिए येलो आ गया, येलो के नीचे रेड की जगह कर दिया हम लोगों ने पिंक कलर। आगे देखें तो रानी आ गया, रानी के नीचे हम लोगों ने किया नेवी ब्लू। पीछे और पीछे देखें तो थोड़ा और डार्कर रामा आ गया, रामा के नीचे कर दिया नेवी ब्लू। हर डिजाइन में ऐसे 10-10 कलर का चार्ट बनाया है, और ऐसे अलग अलग करके टोटल दिखाऊं तो कितनी सारी डिजाइन है, गिनत नहीं है इनकी। अभी भी और माल आता जा रहा है, ऐसे पैक होगा, पहले इतनी पार्टी होगा गाइस, पार्सल पैक होगा, उसके बाद और इधर वापस एक और लाइन लगाएंगे, वापस पैकिंग करेंगे, दूसरी पार्टी होगा और माल पैक होगा। चालू करते हैं आज की वीडियो, दिखाऊंगा आपको पहली डिजाइन, क्या लुक आता है साड़ी का। आ जाए पास में, ये देखिए नीचे आ जाएगा डोबी का फुल जबरदस्त जरी का बॉर्डर, ऊपर देखेंगे बुट्टियां हैं। साड़ी खोल के दिखाता हूँ आपको क्या लुक देती है ये साड़ियाँ, दिखा देता हूँ लुक। आगे आ गया इसमें चिट पल्लू, ये देख सकते हो गाइस, साड़ी एकदम सही से खोल के दिखाते हैं, आगे आ जाएगा एकदम चिट पल्लू। ये पल्लू देख सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कलर का दूंगा चिट पल्लू, जो कलर का नीचे आप लोगों का मैं बॉर्डर दूंगा वही कलर का आपको पल्लू दे दूंगा। अंदर आ जाएगी साड़ी, कपड़े की बात करूं सॉफ्ट सिल्क, सिल्क का कपड़ा रहेगा सॉफ्ट, नीचे आ जाएगा कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर, बॉर्डर एकदम हैवी वीविंग का काम रहेगा। साड़ी उल्टी दिखाऊं तो ये देखिए इस तरीके से कुछ दिखेगी, पूरी जरी की वीविंग की गई है। पास में दिखाऊं तो ये वीविंग है पूरी, नीचे भी पूरी जरी की वीविंग है। साड़ी वापस सीधी कर देते हैं, ये हो गया इसका पल्लू, कॉन्ट्रास्ट आ गया, पल्लू मिल जाएगा, ये बॉडी मिल जाएगी, बॉडी के अंदर पूरा जरी का काम मिलेगा गाइस आप लोगों को। ये देखिए एकदम सॉफ्ट सिल्क कहते हैं वो चीज है, ये बनारसी आइटम कहते हैं वो चीज है, ये पूरी 36 कट साड़ी का रहेगा इसका। ये आ जाएगा कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज, जो कलर का बॉर्डर वही कलर का पल्लू, और वो ही कलर का आपको मैं दे दूंगा ब्लाउज। ब्लाउज पीस की बात करूं एकदम वो भी सिल्क का कपड़ा दूंगा मैं आपको, नीचे मिल जाएगा पूरा वीविंग का काम, देख सकते हो कैसा काम है। इस हिसाब से ये साड़ी होती है गाइस, एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, एकदम लाइट वेट चीज रहती है गाइस, एकदम लाइट वेट है। इसमें अलग अलग डिजाइन है, ये तो हो गई अपनी पहली डिजाइन जो अपन आगे से लेके आए, दिखाता हूँ आपको अगली डिजाइन। यहाँ से एक डिजाइन खोल देते हैं, लाल कलर वाली खोलते हैं, इधर आ जाए,
ये देखिएगा पूरा अंदर लाल मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा बॉटल ग्रीन। साड़ी खोल के दिखा देता हूँ ये डिजाइन। ये देखिए बॉटल ग्रीन कलर का पल्लू मिल जाएगा आपको, नीचे देखें बॉटल ग्रीन और पूरा ये टेबल डैंग होता है। तो ये देख सकते हो कलर को लड़ाना पड़ता है, बॉटल ग्रीन कलर इधर लड़ रहा है ऊपर के रेड कलर के साथ। तो ये कलर का शेड फॉर्मेशन होता है गाइस, इसलिए ये शेड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हो दो कलर लड़ रहे हैं तो बीच में एक अलग कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। टोटल हैंड डाइंग का काम है तो इसको बोल के बेचें कि ये ड्राई क्लीन ओनली आइटम है, ये आइटम ड्राई क्लीन ही करें। अगर इसको आप लोगों ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया कलर उतरना ही है, हाथ से पानी से रगड़ दिया कलर उतरना है। ये चीज़ें प्योर वाली जो चीज़ें टेबल डाइंग होती है वो चीज़ें, टोटल हैंड डाइंग का काम है ये। तो फिर उस चीज़ों का ध्यान रखें, कस्टमर को जब भी दिखाएं तो बताएं पहले। इधर है पास में जरी का काम, देख सकते हो कितना बारीक जरी का शाइनिंग, पूरा इसके ऊपर वैक्स किया हुआ है गाइस, तो ऐसी शाइन आती है। देख सकते हो आप लोग ऊपर जरी के बुट्टे, देख सकते हो टोटल जरी के बुट्टे हैं सब साड़ी के ऊपर। एकदम सॉफ्ट सिल्क इसका कपड़ा रहेगा, बुट्टी वर्क पूरी साड़ी पे रहेगा, पूरी साड़ी कट वर्क पूरा देते हैं, वर्क ये सब की बात करूं आखिरी तक देते हैं, कोई चोरी वोरी नहीं करते उसमें। पीछे आ जाएगा कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज, ऐसी अलग अलग गाइस बहुत सारी डिजाइन है। एक ये कलर निकाल दिया, एक रामा निकाल दिया, एक फिरोजी निकाल देते हैं गाइस। सब मैं साड़ी नहीं खोल के दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि ये साड़ी चरक होती है, बहुत प्रेशर में वैक्स करते हैं तो जाके ये साड़ी ऐसे रेडी होती है। अब पास में थोड़ा ये साड़ी को रेडी करने के लिए बहुत पहले मतलब वैक्स करूँ तो जाके एकदम ऐसी बैठती है गाइस। इसको खोल के मैं इसकी फिनिशिंग ख़राब नहीं करना चाहता तो आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये नीचे आ जाएगा पूरा इसका पट्टा, पीछे देख सकते हैं ये पूरी अंदर बुट्टियाँ आ जाएगी, आप लोग देखते ही समझ चुके हैं। कॉन्ट्रास्ट पल्लू आ जाएगा और कॉन्ट्रास्ट पल्लू के साथ आ जाएगा एक कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज। ये हो गई अपनी अलग डिज़ाइन, दिखाता हूँ अब येल्लो कलर। येल्लो को रानी के साथ दिखाता हूँ क्योंकि येल्लो को रेड के साथ तो आप सबने देखा ही होगा गाइस। येल्लो को रानी के साथ दिखाता हूँ क्या लुक देते हैं। ये देखिए इधर आ जाए, ये देखिए ये हो गया इसका बॉर्डर, एकदम हैवी बॉर्डर आ जाएगा रानी कलर का। ऊपर देख सकते हैं आ जाएगी ये बुट्टी, ये पूरी बुट्टी है जरी की। आगे चलते हैं, एक और कलर दिखा देता हूँ रानी, और रानी के साथ दिखा दूंगा आपको, रानी के साथ आपको दिखा दूंगा नेवी ब्लू का बॉर्डर। ये देखिए डिजाइन एकदम हेवी जरी का पल, नीचे आपको बॉर्डर मिल जाएगा वीविंग का, ऊपर मिल जाएगी बुट्टियाँ, ये पूरी साड़ी में ऐसे मिलेगी बुट्टियाँ, टोटल ये सब बुट्टियाँ मिल जाएगी साड़ी के अंदर। सब साड़ी हमारी आती है ऐसे पैक होके, ये देखिए ऊपर आ जाएगी पूरी एक फोटो, नीचे लेबल आ जाएगा, साथ में प्लास्टिक के पाउच में आ जाएगी। बाकी आपके ऊपर है, अगर मेरी बहुत सारी पार्टियाँ हैं जिनको बॉक्स में चाहिए तो मैं उनको बॉक्स में प्रोवाइड, जैसे थैली है इसके अंदर बॉक्स डाल के, बॉक्स कैसा दिखता है चलिए नीचे दिखा देता हूँ कि बॉक्स कैसा आएगा तो आपको आइडिया आ जाए कि बॉक्स कैसा आएगा। आ जाए चलते हैं, दिखा दूंगा आपको बॉक्स कैसा क्या लुक देने वाला है बनारसी का बॉक्स। हाँ एक साड़ी लेके चलता हूँ तो आपको दिखाऊंगा अंदर क्या लुक देगा। हाँ बस इधर रुके मैं लेके आता हूँ अपना बॉक्स। आ जाए ये देखिए दोस्तों आज शाम के टाइम शूटिंग कर रहे हैं तो टोटल जो अपने डेली पार्सल जाते हैं वो जा चुके हैं। आ जाए थोड़ा जा चुके हैं टोटल, इधर टोटल नई डिस्पैच की तैयारी होने लग गई है जो कल हम डिस्पैच करने वाले लड़के माल निकाल रहे हैं, व्यापारियों का जो ऑर्डर आया हुआ है वो माल निकलेगा कल सुबह में। अपन जब शूटिंग वापस करेंगे तो आपको दिखाऊंगा टोटल कैसे भरा हुआ रहता है, डेली माल पूरा इधर ख़त्म होता है, टोटल इधर डिस्पैच हो जाता है, उसके बाद वापस तैयारी चालू करते हैं हम लोग 4-5 बजे से और टोटल इधर माल वापस भर जाता है नए मालों से, नए व्यापारियों के मालों से, और फिर वापस डिस्पैच होता है और ये साइकिल चलती रहती है। अब इधर है ये सब आइटम है देखें गाइस, तो
पार्टियों ने अभी तक पैक नहीं हुआ, उससे पहले पार्टियां आके लेने लग गई। इधर है ये देखिए, मतलब अभी तक ये चीज माल दुकान में आया है, पैक नहीं हुआ, पर पार्टियां आके उठा लेती है कि भाई हमको चाहिए हमको चाहिए। ऐसे पूरा माल खत्म, पूरा माल इस तरीके से गाइस खत्म हो जाता है। अब मेन अपन नीचे आए थे दिखाने के लिए आपको बॉक्स क्या लुक देगा। ये बनारसी का बॉक्स है, बीबी सिंथेटिक्स का लोगो आ जाएगा यहाँ पे, पूरा नाम फॉर्म का आ जाएगा यहाँ पे। गोल्ड प्रिंट से देख सकते हो बनारसी लिखा हुआ है, पूरा लिखा है बनारसी। इधर वापस पूरा देख सकते हो गाइस, टैगिंग आ जाएगी इधर बीबी सिंथेटिक्स की। बॉक्स खोल के दिखाऊं तो अंदर पूरा गोल्ड फ्रेम का बॉक्स आ जाएगा। इनर इसका 3 प्लेट का बॉक्स रहता है। साड़ी कुछ किस तरीके से लगती है दिखा देता हूँ आपको, एक अच्छे से करके दिखाता हूँ साड़ी क्या लुक देगी अंदर इस तरीके से। एकदम मतलब इसके फिटिंग के लिए, इसके लिए ही कस्टम बॉक्स बनाया हुआ हमारा। पंखे से थोड़ा दूर आ गए थे, आवाज आ जाएगी इसको पंखे की। ये देखिए इस हिसाब से एकदम इसके लिए कस्टम बनारसी साड़ियों के लिए बॉक्स बनाया है, जो इसके लिए परफेक्ट फिट देता है। ये इस तरीके से बॉक्स पैक होगा, बॉक्स पैक होके रेडी हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको कल मैं जब ऊपर से व्यापारियों का माल नीचे आएगा तो दिखाऊंगा कैसे पैक होता है ये सब, उसमें अपन ये देखेंगे, फिर अपन अगला कोई वैरायटी चालू कर देंगे। तो इस हिसाब से ये बॉक्स रेडी हो गया गाइस, पूरी इसके अंदर बनाई थी साड़ी रेडी है गिफ्टिंग के लिए। ऐसे गिफ्ट दो साड़ी की वैल्यू ही अलग हो जाती है गाइस, इतने हेवी बॉक्स में दो, मतलब बॉक्स की क्वालिटी बोले तो A1 ये चाहिए होता है गाइस ताकि गिफ्टिंग दे सके। और अंदर से निकालो बनारसी साड़ी, 600 की साड़ी हो गाइस, 1200 1500 2000 की साड़ी का लुक देती है गाइस बॉक्स में आते। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।